बैंक अकाउंट। इश्क है रमजान, रमजान इश्क है, रमजान इश्क है, रमजान इश्क है। بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم من حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم। अल्लाह सुबहानहू व तआला के नाम से इब्तदा शुरू जो बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। सूरह तौबा की आयत नंबर 127, 128, 129 की तिलावत की, इसमें अल्लाह सुबहानहू व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास वो अजीम शान रसूल तशरीफ़ लाएँ जो तुम ही में से हैं। जब तुम्हें कोई तकलीफ़ आती है, जब तुम किसी तकलीफ़ में मुबतला हो जाते हो, जब तुम किसी परेशानी में गिरफ़्तार हो जाते हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बड़ा शाक गुज़रता है और वो मोमिनीन पर बहुत ज़्यादा शक्क़त वाले हैं। और फिर इरशाद फरमाया कि अगर कोई फिर जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, हस्बी अल्लाह, तो कहो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसी पे तवक्कल करो। जब तुम पर कोई आजमाइश आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला पे कामिल यकीन रखो। और अल्लाह ताला कामिल यकीन रखने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह सुबहानहु व तआला पर कामिल भरोसा रख करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको आजमाइश से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकअल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमानी भाई, लेवल बढ़ा देते हैं मेरा थोड़ा सा। जज़ाकअल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम सबको, तमाम नाज़रीन हाज़रीन को खुश आमदीद। आज के शो में रमज़ान इश्क है नशरियात शुरू करते हैं 24 न्यूज़ HD पर बराह रास्त। मंगल का दिन 20 जून 2017, 24 रमज़ान 1438 हिजरी। हज़ली करमल्ला वजह से किसी ने पूछा बड़ी खूबसूरत बात, जो कि मैं ज़िंदगी में बहुत दोहराती हूँ, आपका ये कॉल बहुत दोहराती हूँ और दूसरों के लिए कम अपने लिए ज़्यादा दोहराती हूँ। ये कैसे पता चले कि मुसीबत हम पर आती है और वो अल्लाह की तरफ से सज़ा है या आजमाइश? कि जब तुम्हारी तरफ कोई मुसीबत आए, ये कैसे फ़र्क करोगे कि सज़ा है कि आजमाइश है? ऐसा कब कब होता है आपको फील? होता है ना लोगों को फील? हाथ खड़ा करके बताएं कि आपको लगता है हमें क्यों मिल रही है सज़ा? नहीं होती, सज़ा है कि आजमाइश है? किसी को ऐसा महसूस होता है कभी कभी अपनी कैफियत से कि हाथ खड़े? बिल्कुल। और क्या, हम सब इस चीज़ को, मैं खुद हाथ खड़ा कर रही हूँ कि हम नहीं फ़र्क कर पाते कि ये सज़ा है कि आजमाइश है। इसका खूबसूरत जवाब तो सुनिए मौला अली का, जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश, और जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे वो तुम्हारे लिए सज़ा। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि आप अपने अल्लाह से दूर हो गए? कितना क्लियर कर दिया इस बात को कि अगर आप रब की तरफ गए, रुख किया, तो सज़ा है, आजमाइश है, और अगर आप दूर हो गए तो आपके लिए सज़ा बन गई।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस है, और इसमें जो आप वाली बात जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला किसी के साथ भलाई चाहता है तो दुनिया के अंदर ही उसको आजमाइश में मुब्तला कर देता है कि ताकि उसके गुनाह दुनिया के अंदर ही खत्म हो जाए, धुल जाए, धुल जाए। जब वो मेरी बारगाह में आए तो साफ सुथरा होकर आए। और किसी के साथ ही मामला होता है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला किसी को नापसंद फरमाता है, उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम सिर्फ हम ही आजमाइश में, हमें कोई तकलीफ आती है हम ही रहेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अब सुनिए, अल्लाह ताला उनको नापसंद फरमाता है, जिनको नापसंद फरमाता है उनको ढील दे देता है दुनिया के अंदर, और फिर उनके लिए हिसाब आखरत के दिन। वाकई हम कभी कभी सोचते हैं कि हम जानते हैं वो, कभी कभी ऐसा होता है हमारे मिलने वालों में भी, हम जानने वालों में, हम आपस में यही बात कर रहे होते हैं, कभी हमारे ज़्यादातर टाइम जो गुजरता है अपनी टीम के साथ गुजरता है, तो हमारी जो सोशल लाइफ है वो भी आपस में टीम में ही है। कभी कभी होता है आपका एहसास ना कि देखिए वो कैसे लोग हैं, हम उनके मजाज से वाकिफ़ हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने उनका हाथ कितना पकड़ा हुआ है। हम जानते हैं उनके घर में आमदनी कहाँ से आ रही है, फिर भी अल्लाह पाक ने उनका इतना हाथ पकड़ा हुआ है। हम जानते हैं वो लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने उनका इतना हाथ पकड़ा। दरअसल अल्लाह पाक ने उनको ढील दे दी है, नापसंद कर दिया, नापसंद कर, मतलब इस कैफियत में आप कर दिया अपने से। बड़ी खूबसूरत बात अगर भाई ने यहाँ लिख के दी है कि किसी की औकात याद दिलाने के लिए जो अल्फाज हमारी जबान से निकलते हैं वो दर हकीकत दूसरों को हमारी औकात बता रहे होते हैं। यानी कि हम किसी के लिए कुछ कह रहे हो, दरअसल उसको तो कुछ जाके नहीं लग जाएगा, मतलब मदिया तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं चिपक तो नहीं ना गई ये बात, लेकिन दरअसल मेरी औकात नजर आ गई कि मैं मदिया को किस नज़र से देखती हूँ। कितनी प्यारी बात है। बदजमानी और बदगुमानी ऐसे ऐब हैं जो हर इंसान के कमाल को जवाल में बदल देते हैं। एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से पूछा मैं सुकून चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं सुकून चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा इस जुमले में से मैं निकाल दे क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत है, चाहता हूँ भी निकाल दे क्योंकि ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है, अब देख तेरे पास क्या बाकी रह गया। सुकून, इस ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं, बहुत प्यारी बात। सुकून, मैं सुकून चाहता हूँ, मैं सुकून चाहता हूँ, मैं निकाल दे तकब्बुर की निशानी है, चाहता निकाल दे, बहुत प्यारी कि नफ्स की आप चाहत कर रहे हैं, ये जिंदगी की कुलिया है ये। मैं सुकून चाहता हूँ, क्या बच गया? सुकून। इस सुकून को, इन मोहब्बतों को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, हमारे साथ आज फातमीत से कुछ बच्चे आए हुए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे नन्ने नन्ने से खूबसूरत खूबसूरत फूल आए हुए हैं। ना समझे उनके माँ बाप कि ये किसी किस्म की सज़ा है, बल्कि जब आप रब तआला के और करीब हो जाए तो ये आजमाइश में बदल जाती है, और जब रब अपने बंदे को आजमाइश के लिए चुनता है तो उसके दुनिया और उसकी आखिरत में कितनी आसानियाँ होती हैं। आप किन बच्चों से मुलाकात करवाएंगे जो कि है, इनको थैलेसीमिया है, और थैलेसीमिया के बच्चों के साथ मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। मैं जैद को नहीं भूल सकती, जैद राव को नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती, लेकिन उसने जितनी कोशिशें और काविशें की थैलेसीमिया पेशेंट्स के हवाले से, उन कोशिशों को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। जैद, तुम हमेशा मेरी दुआओं में हो। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, इन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ़ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तो मेरा नाम शबाज शरीफ है, शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, आप देख रहे हैं रमजान इश्क है नशरियात 24 न्यूज HD पर बराहे रास्त। अगर चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगर चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो ये समझ लो कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हारी चीजें अल्लाह की मर्जी से हो रही हैं। तुम्हारे मामला उसके हाथ में जो सबसे बेहतर मामला चलाने वाला है। मेरी मर्जी से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और तेरी मर्जी से हो रही है तो डबल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी नज़र तो एक हद तक जा रही है, मैं वहीं तक देख सकती हूँ। तू तो सब देख सकता है, तू तो सब जानता है, तूने सब एक्चुअली सब डिज़ाइन रब ताला ने मेरे लिए पहले से ही कर दिया जो मेरे लिए अच्छा है। तो जो मेरी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मुझसे मुझे प्यार करता है वो मेरे लिए अच्छा कैसे ना चाहेगा। जो मैं अपने लिए चाह सकती हूँ वो मेरी नज़र की हद तक अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, क्या है? आज जो बच्चे यहाँ पर 3-4 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनको माइक दीजिएगा और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि कैसे हो आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा इमदाद। इमदाद जी। इमदाद थैलेसीमिया मेजर है माइनर है? माइनर। माइनर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर है, मेजर। मेजर है जी जी। अच्छा, तो कितने अरसे में ब्लड वो होता है चेंज? हर 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद होता है ना जी जी। अच्छा, अभी कितना कितना लग जाता है वैसे टाइम, कितना कितना फर्क आ रहा है? जिसको जिसको पता उसको उसको दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो मेरे जैद की तरह बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। जैद भाई याद है? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है ना जैद वाला मुझे नजर आ रहा है। मेरा टाइम गुजरा है जैद के भाई के साथ, जिल्किफल के साथ, जिल्किफल के साथ भी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैलेसीमिया के कॉज पे काम भी करता हूँ इन भाई के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम बताया? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब। अच्छा शोबी, ये बताओ मुझे कि कितने अरसे में ब्लड हो रहा है, क्या जरूरत है, क्या कमी आ रही है और किस चीज पे ओके की रिपोर्ट है? थैलेसीमिया की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 3 चीजों को मैं बात करता हूँ। कहते हैं कि थैलेसीमिया को ब्लड चाहिए, नहीं, थैलेसीमिया को टाइम पे ब्लड चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्डली बहुत कम मिल रहा है, ब्लड शॉर्टेज बहुत होती है, रमजान में तो वैसे ही बहुत कम आ जाता है। अब जैसे ये दोनों अंदरूनी सिंधे आए हुए पिछले 4-5 दिन से ये यहीं पे फातमिन में स्टे कर रहे हैं, इसी वजह से कि इनको ब्लड मिलेगा, ब्लड लगेगा तो ईद के लिए ये जा पाएंगे, अपनी ईद मनाएंगे। अल्लाह अकबर। तो कब से चेंज नहीं हुआ ब्लड इसका, इन दोनों का? मिला है ब्लड अभी 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए? 5 दिन हो गए, मतलब वेटिंग पे हो या मिल गया? वेटिंग पे। वेटिंग पे। तो ये एक चीज है कि सबसे पहले तो रमजान में खासकर आखिरी अशर में जितने लोग डोनेट कर सके वो अच्छा है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, ठीक है, आयरन चिलेशन मेडिसन। ब्लड मिल गया लेकिन आयरन आ गया, हमने आयरन को कंट्रोल कर लिया। एक प्रॉपर लाइफ है थैलेसीमिया की, वो हर मैदान में आप उसको कहीं पे भी देख सकते हैं, मीडिया हो, मार्केटिंग हो, बैंक हो, कहीं पे भी सबकी आपके पास मिसाल मौजूद है। जैद भी इसी मिसाल में है, हमारे आयशा महमूद जो ऑनर है हमारे कॉज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद बिजनेस पर्सन है, लेकिन अगर वो आयरन मेंटेन नहीं होता बहुत से इश्यूज बनते हैं, हाइट ग्रोथ नहीं होती, और सबसे ज़्यादा वो डेथ कॉज आयरन ही होता है ज़्यादातर हार्ट।
तो उसके लिए शोभी क्या करना चाहिए? मेडिसिंस कोई दे सकता है या मेडिसिंस के लिए डोनेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम बताओ? मेडिसिन के लिए यह है कि पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को प्रोवाइड करनी चाहिए जो मेन डिसिफ्रोल जो सबको सूट करती है, डिसिफ्रोल जिसको हम डाइल्यूट करते हैं वाटर में। अब सबसे ज्यादा कॉस्टली भी वही है और सबसे ज्यादा आउट ऑफ रीच होती है, बहुत ज्यादा टाइम पे शॉर्ट रहती है। तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो ये प्रोवाइड करे। चलो बाकी हमारा क्या काम बनता है ये बताओ। बाकी अगर आम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अगर कर सके तो स्पॉन्सर एक चाइल्ड को उसकी मेडिसिन के लिए स्पॉन्सर कर दे। एग्जैक्टली आप डायरेक्ट बच्चे को स्पॉन्सर कर लें क्योंकि बच्चे को पता है कि उसको कौन सी मेडिसिन चाहिए, कौन सी सूट करती है, कौन सी नहीं, ये चीज। और अगर मैं शोभी गलत नहीं हूँ तो एक बच्चे का महीने का आराम से 15 से 20 से 25 हजार हो जाता है। बिल्कुल इतना हो जाता है, ऐसा ही होता है जी। अच्छा अब अच्छा मैं आऊँ ये बात बड़ी अच्छा। एक और सवाल शोभी से, शोभी तुम्हें थैलेसीमिया मेजर है माइनर है? मेजर। फाइटर फाइटर हीरो मेरे। मुझे थैलेसीमिया मेजर के साथ 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ्रीलांसर के तौर पे काम भी करता हूँ। तुम कराची में होते हो ना? जी मैं कराची में होता हूँ। ठीक है, नाउ टाइम पर ब्लड चाहिए। टाइम पर, टाइम पर यानी कि लोग अगर इस वक्त भी आज भी डोनेट करते हैं तो ये और ऐसे और भी लोग बच्चे आए हुए हैं बहुत, तो वो अपने घर जा सकते हैं ईद पर। बिल्कुल अच्छी ईद मनाएंगे। अब अगर आपका होमोग्लोबिन लो होगा तो आप कोई भी एक्टिविटी में इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। ये सबको पता है कि लो होमोग्लोबिन हमें 10 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए, 10 से नीचे में आपको बहुत ज्यादा सुस्ती आती है। तो ये एक चीज होती है कि प्रॉपर टाइम पे ब्लड मिलना। ठीक है, अच्छा शोभी मेडिसिन होना, मेडिसिन के लिए डोनेट कर सकते हैं या मेडिसिन भी लाकर दे सकते हैं? आप अगर मेडिसिन डायरेक्ट लाके दे सके वो भी ठीक है, वरना आप उसके लिए डोनेट कर दें। कौन सी मेडिसिन लाके दे सकते हैं? ज्यादातर हमारा मेन फोकस है ये डिसिफ्रोल इंजेक्शन होता है जिसको हम डाइल्यूट करते हैं वाटर में। ठीक है, ये एक बच्चे के 30 से 70 या 80 तक के महीने के यूज में आते हैं। ठीक है, उनकी कॉस्ट कितनी आती है? इनकी कॉस्ट तकरीबन पाकिस्तान में 10 बॉक्स का वायर, 10 वायर का जो बॉक्स है वो 2600-2500 इस तरीके का कॉस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे यानी कि उससे एक महीना हैंडल हो सकता है? नहीं, एक बॉक्स में 10 है। हाँ, तो ऐसे 3 बॉक्स या 6 बॉक्स चाहिए होते हैं। 3 से 6 बॉक्स चाहिए जी। ठीक है, तकरीबन उसे 8 से 10 हजार तक का जो आ गया जिसमें पूरा महीना जो है इनको सुकून से गुजर सकता है जो आयरन लगनी होती है। जी करेक्ट। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या था तुम्हारा जो तुमने कहा? तीसरा यही है कि अपॉर्चुनिटीज वगैरह अब थैलेसीमिया के लिए यहाँ पे बहुत कम है। अगर इनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर थोड़ा सा और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी प्रिवेंशन पे काम कर ले, एक सेना इसी पे डाल दे माइनर या माइनर है ये बंदा नॉर्मल है तो हम इसकी प्रिवेंशन पे रोक सकेंगे। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के केसेस आ चुके हैं तो ब्लड शॉर्टेज तो बे इंतहा। आप कराची की बात नहीं कर सकते, पूरे पाकिस्तान में आप यही हाल है, चाहे कराची से चले जाए आप सवात तक में तो यहाँ पे ब्लड शॉर्टेज हमारा सबसे बड़ा मसला आ जाता है। आप देखिए कि वही ब्लड अगर आप प्रिवेंशन करेंगे, थैलेसीमिया के चाइल्ड नहीं होंगे तो दूसरों के लिए भी आसानी रहेगी, आपका वही ब्लड किसी और कॉज में भी काम आएगा। हमें आजकल कोई भी कॉज हो, एक्सीडेंट हो जाते हैं कहीं पे भी, तो ब्लड शॉर्टेज का सबसे ज्यादा हर जगह पे जरूरत रहती है। राइट राइट। हमारे साथ शोभी यहाँ मौजूद हैं जो कि थैलेसीमिया मेजर हैं, फाइटर बच्चा है मेरा और मुझे झलक आ रही है अपने, खुशी आ रही है मुझे बहुत, ये कह रहा था मैं अंदर से खुश हो रहा था। आप जैद से नहीं मिले जिसके साथ ये बड़ा टाइम गुजार रहा है, इतना एतमाद, बीमारी से लड़ना। अरे बॉस इनकी तो कोई ऐसे हो ही नहीं सकता कोई दूसरा, क्योंकि जिस तरह मैंने इन लोगों को फाइट करते देखा है ना, हम बहुत कमजोर लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहता हूँ कि देखें आप आज कोई भी देख लें मीडिया हाउसेस में माशाल्लाह से थैलेसीमिया बच्चे काम करते हैं। ओह यस, साथ नहीं मेरे साथ होता, बिल्कुल जिल के फिल मेरा बच्चा नहीं है, जैद मेरा बच्चा नहीं था माशाल्लाह से। वो आप देख लें एक वेन्यू कंपनी में भी काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद के बिजनेस भी हैं ज्यादातर के सबके हैं। इनको एक नॉर्मल जिंदगी मेरी और आपकी जगह में, और आप अपने आप को शायद नॉर्मल समझते हैं ना, एक्चुअली नॉर्मल ये होते हैं जो मुश्किलात से, जो असल मुश्किलात, ये क्या मुश्किल हो गई कि हमें ये नहीं पता चिकन बनाने की दाल बन गई, एक तो नहीं ना कोई मुश्किल हो गई है, एक दिन हमने ट्रांसमिशन हमारी आगे पीछे हो गई, टाइम इधर हो गया, लाइट चली गई, जनरेटर बैठ गई, तो ये ना मुश्किल आते हैं, फिर असल मुश्किलें तो ये हैं। आप और मैं तो सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो खाली सर पेट पाँव हाथ में दर्द होता है,
ये बच्चे तो फाइटर हैं, शिकायत भी नहीं कर रहे, आज भी माशाल्लाह खड़ा हुआ है सॉलिड। आजमाइश कैसी आजमाइश, रब का शुक्र है कि इतने हिम्मत वाले बच्चे हमारे साथ हैं। आज इस ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ते हैं, रमजानिश के नशरिया जारी। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी। तजुर्बा भी सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक, अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है, सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए, सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे, हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ्ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ताजुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। इतना अच्छा माशाल्लाह अली क्यों देता है मुझे? माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम बताते चले, आप देख रहे हैं रमजान इश्क नशरियात 24 न्यूज HD पर बराहे रास्त। अभी वक्फे में जाने से पहले बात हो रही थी हमारे चैम्पियंस के साथ जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। मैं पेशेंट नहीं कहूँगी, जो थैलेसीमिया से लड़ रहे हैं, या यूं भी नहीं कहूँगी मैं, शोभी क्या बोलूँ, मैं क्यों बोलूं पेशेंट हो? तुम तो पेशेंट नहीं हो, माइक लो, तुम तो पेशेंट नहीं हो। अले भाभी भी आ गई, अस्सलाम वालेकुम भाभी। शोभी मैं पेशेंट नहीं बोलना चाहती। एक्चुअली ये डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर है और मैं डिसऑर्डर भी नहीं, मुझे डिसऑर्डर लव्स भी नहीं पसंद। मैं क्या बोलूं बताओ मुझे तुम? वैसे तो आप कुछ भी बोल दे, चैंपियन ही बोल दे, आजकल ये काफी चल रहा है भाई। हमारे थैलेसीमिया के विनर्स हैं, ऐसे सही है?
थैलेसीमिया चैंपियंस, थैलेसीमिया फाइटर, थैलेसीमिया वॉरियर है, फाइटर सही है ना, थैलेसीमिया फाइटर, ठीक है भाई सही है ना, क्योंकि पेशेंट मैं ज्यादा पेशेंट हूँ, डिप्रेशन ज्यादा है मुझे, उसको देखो उसका खून भी चेंज होता है और उसको डोनेशन भी आनी होती है, वो फिर भी डिप्रेस नहीं है, तो मैं ज़्यादा बड़ी पेशेंट हो गई, लेकिन ये पेशेंट नहीं है, इनको इस बात का सवाल भी नहीं है कि सज़ा है कि आजमाइश है, ये तो बस एक है चीज़, सर्वाइवल, 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 हर हालात में सर्वाइवल, और जो बुरे से बुरी सिचुएशन से गुजर कर सर्वाइव कर जाता है वो एक्चुअली विनर होता है। वक्फे पे जाने से पहले रमाने भाई से भी बात हो रही थी, वक्फे पे हम लोग सब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहिबा भी आ चुकी हैं, भाभी भी आ चुकी हैं, आजमाइश और सज़ा की बात हो रही थी। आप कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं अपने किसी भी सिचुएशन का जिसका आपको लगता है कि आपको लगता है कि खुदा न खास्ता सज़ा आपको मिल रही है रब ताला की तरफ से, या आपको लगता है किसी किस्म की कोई आजमाइश है अल्लाह की, अल्लाह पाक की तरफ से, तो आप कॉल करके वजीफा पूछ सकते हैं पढ़ने के लिए भी, और डॉक्टर साहब अभी अपने हिसाब से आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। थोड़ी देर बाद मसूदी भाई हमारे अलामा मसूदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी मैं सवाल करूँगी कि आजमाइश और सज़ा को कैसे आसान कर दिया जाए। वैसे तो हर तरीके कॉल ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि रब ताला से कुर्बत आजमाइश, रब ताला से दूरी सज़ा। रमानी भाई, इन बच्चों को आपने देखा, भाभी भी माशाल्लाह जिनके पास कैंसर के बच्चे पेशेंट्स भी आते हैं, थैलेसीमिया के भी वॉरियर्स फाइटर्स आते हैं, तो इनके वालदेन सबसे बड़े जो फाइटर्स हैं, सबसे बड़े जो वॉरियर्स हैं वो इनके वालदेन हैं। क्या उन लोग कभी ना कभी नाउज़ुबिल्लाह उनका भी ईमान डगमगाता होगा? इंसान है ना नवानी में, कभी ना कभी तो भाभी भी थक जाती हैं कि छोड़ो ये सब कुछ, क्या करना है मैंने, ना कोई यहाँ से हेल्प कर रहा है ना कोई वहाँ से हेल्प कर रहा है, रोज़ आकर अपनी इज्जत को स्टेक पर रखकर अपने चेहरे को लाकर मैं ये बोलूँ मेरे पास पैसे नहीं है, ये अच्छा लगता है किसी को कहना? इंसान अपनी चादर डाल के रखता है हर वक्त, रोज़ आकर हम ये चीज़ें फेस करें, तो इनके माँ बाप कितने बड़े फाइटर्स होंगे। बहुत बड़े। कुरान मजीद फरकान हमें सूरह मुल्क के अंदर सेकंड आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाया है लियब्लुवकुम, ताकि वो आज़माए तुम्हें, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से अच्छा अमल करता है, यानी कि ज़िंदगी और मौत जो है और उसके दरमियान ज़िंदगी है, अल्लाह सुबहानहू व तआला उसको इम्तहान रखा है, और वैसे भी दुनिया को दारुल इम्तहान रखा है, और जितने इनके जो वालदेन हैं इस इम्तहान में कामयाबी से जो आगे बढ़ते चला रहे हैं तो अल्लाह सुबहानहू व तआला की रज़ा के करीब होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, जो आजमाइश पर साबित कदम रहता है वो सब्र करता है, और सब्र जो है इंसान को भी जन्नत के करीब ले जाती है, अल्लाह सुबहानहू व तआला के करीब ले जाती है, और अल्लाह सुबहानहू व तआला की उसे मारिफत नसीब होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए, बहुत बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूँ, जब ऐसे लोग जो सब्र कर रहे होते हैं आजमाइश पर, अल्लाह सुबहानहू व तआला फरिश्तों में उनका नाम लेके फ़ख्र फरमाता है। अल्लाहु अकबर। हमारे साथ भाभी भी हैं, मैं साथ साथ सबको याद दिलाती चलूँ, इन बच्चों के लिए ज़रूरी सिर्फ खून नहीं है, वक्त पर खून होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे ने टाइम पर ब्लड आना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ अभी इंटीरियर से कुछ बच्चे और भी आए हुए हैं जो राह देख रहे हैं कि कहीं से हमें ब्लड अगर टाइम पर अब मिल जाए, एक तो इनकी सेहत के हवाले से, दूसरा ईद सर पर है, कम से कम ये ब्लड चेंज करवा कर अपने अपने घरों को पहुँच जाएंगे, ये एक बहुत अहम बात है। दूसरा मेडिसिन मिलना, मेडिसिन के लिए आया आप डोनेट कर सकते हैं, या आप इनको जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट है आयरन के हवाले से वो आप इनको पहुंचा सकते हैं। एक बॉक्स में 10 पीसेस होते हैं और एक से ज़ायद तकरीबन 4 से 5 पीसेस की, 6 तकरीबन 6 से 7 बॉक्सेस की ज़रूरत होती है एक महीने के लिए। एक बॉक्स की कीमत तकरीबन 2500 से 2600 तक आती है, तो सबने 10,000-12,000 के अंदर इनका एक महीने का, वही मैंने एक पूरा हिसाब लगाया तो 15,000 से 20,000 तक का इनका पूरा एक मंथ का आप एक बच्चा
एडॉप्ट कर सकते हैं। मैं पिछले 4 से 5 साल से कह रही हूँ, हर घर अगर एक बच्चा एडॉप्ट कर ले तो यकीन माने बहुत 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 इनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। और आपके लिए कहाँ कहाँ आसानियाँ होंगी ये तो मैं बात भी नहीं कर रही। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। आगे बढ़ें, इन थैलेसीमिया फाइटर्स का साथ दें। अभी आज जो आपके साथ खातून आई हुई हैं, मुझे उनकी एज का नहीं पता, मुझे उनके मसले का भी नहीं पता, आप बताइए उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था गालिबन कोई? जी, एक कोशिश जो हम सब की, आपकी हमारी, कि हम इन सबको कारामत बनाएं, क्योंकि जब इंसान इस दुनिया को कुछ दे रहा होता है तो वो एक्सेप्टेड भी होता है और उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। ये एक ऐसी खातून है जो शादी से डरती थी, शादी से डरती थी क्योंकि अपनी कजन का हश्र बहुत बुरा देख लिया था। अल्लाहु अकबर। लेकिन एक औरत शादी के बगैर कैसे वक्त गुजारे? 25 साल की उम्र में घर वालों ने मना समझा बुझा के शादी कर दी। सही। जिस आदमी, इंसान जिंदगी में जिस चीज से डरता है ना, वो चीज सामने आके खड़ी जरूर होती है। इसलिए जिंदगी में डरना छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह से डरें और ये कहिए कि जो भी वक्त पड़ेगा मैं उसका मुकाबला करूंगी। आप देखिए, मुश्किलात खुद ही छटना शुरू हो जाती हैं। जिस शख्स ने शादी की उसने कहा मेरी सिर्फ एक बीवी थी जो कि मर चुकी है। शादी के बाद पता चला 2 बीवियां थी और दोनों उसको छोड़कर गई हैं। अल्लाहू अकबर। 4 बच्चे उस शौहर के थे जिसको इन्होंने पाला, पाल पोस कर जवान किया और चारों की शादियां भी की इन्होंने। शादियां भी की माशाल्लाह। अपने अल्लाह ने 2 बच्चे दिए, एक का इंतकाल हो गया जो भी इशू रहा होगा, दूसरी बच्ची हयात है, 12 साल की है, 11 साल की है, इनके पास नहीं है। क्योंकि वही एक कहानी, एक दुख जो हम रोज लेकर बैठ जाते हैं कि शौहर मिलने नहीं देता, बच्चे किसी की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो माँ बाप दोनों के होते हैं लेकिन जिसके पास होते हैं वो उन पर कब्जा करके बैठ जाता है, नहीं मिलने देता। जिंदगी गुजार रही थी, अपने तौर पे मेहनत कर रही थी, लोगों के घरों में खाना बना रही थी, वक्त अच्छा गुजर रहा था। मियाँ के घर भी मेहनत खुद करती थी, खाना बनाती थी और अपना और अपनी बेची का पेट पालती थी। लेकिन एक छत सर पर थी, एक इज्जत बरकरार थी, किसी को नहीं पता था चादर के अंदर क्या हो रहा है। सही बात है। जिस दिन बेटे के बहकावे में आके, क्योंकि बेटा मुस्तकिल बेटा जब गलत हरकतों में लग गया, सुतेला बेटा, तो ये उनको रोकती थी और उसको ये चीज बुरी लगती थी। जाहिर है नशा करने वाले के पास से आप जैसे ही नशा हटाएंगे आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। घर से चोरी कर लेना, हाथापाई करना, ये किसी नशे करने वाले के लिए कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। बाप को इतना वरगलाया कि एक दिन ये आती है तो वो कहते हैं कि सीढ़ियां नहीं चढ़ना, यहीं से उतर के सीधी घर से बाहर चली जाओ, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक दुपट्टे लेने की इजाजत मिली जो इन्होंने पकड़ा है और घर से निकल गई, बेटी से मुलाकात भी नहीं कर सकी और निकल गई। वापस रिश्तेदारों के पास दर दर घूमती हैं, फिरती हैं, रोजी रोटी तो पहले भी खुद कमा रही थी, मसला नहीं था, इज्जत से वक्त गुजर रहा था। एक रात काम करके निकलती हैं, रोड के किनारे खड़ी होती हैं, आके कोई टक्कर मारता है और टांग इनकी एक टूट जाती है। जिनके घर पे थी, अल्लाह उनको और हिदायत दे, नेक खातून थी, मदद करने की कोशिश की, इसका इलाज वगैरह करवाया लेकिन वो सही नहीं हो सका, एक टांग छोटी बड़ी हो गई है। अब वॉकर पर हैं, अपना भी बोझ नहीं उठा पाती, बस एक ही जगह बैठी रहती हैं। लोगों ने वक्तन फवक्तन रखा, फाइनली सब मजबूर हो गए तो हमारे पास सारी बनी शेल्टर होम भेज दिए। इनकी बाजी ने कहा ये एक अच्छा इदारा है, यहाँ जाओ, जब तक तुम्हारा मसला नहीं हल होता यहाँ रहो, जब इलाज हो जाए और बेहतर हो जाओ, निकल सको तो फिर बाहर आके फिर मेहनत मशक्कत शुरू कर देना, इलाज इनका हो जाए, इनकी टांग का जो भी ऑपरेशन है वो सारी सेटिंग हो जाए, ये अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाए। बजाय इसके कि लोगों की, लोग इनकी मदद करें, अल्लाह इन्हें इस काबिल कर दे कि ये लोगों की मदद करें और अपनी बेटी का चेहरा देख सकें। तो भाभी, इनके इलाज के लिए कितने रकम की जो है वो? 2-2.5 लाख तो मैं समझ कम से कम हमें चाहिए होंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि इलाज जब हम शुरू करते हैं उस वक्त एक एस्टीमेट आता है, लेकिन जब हम उस चीज में पढ़ते हैं तो फिर बाद में पता चलता है कि कहां जाके फाइनली बैठता है, लेकिन इनिशियली तो इतनी अमाउंट हम चाहिए कि हम उस चीज को स्टार्ट करें। आप लोग चंद दिन रह गए हैं रमजान में, मैं रमान भाई से भी कहूंगी इनकी डिटेल के बाद, अगर इजाजत दें तो पहले उनसे बात करके फिर आप बताइएगा। रमजान के चंद दिन रह गए हैं खत्म होने में, परवरदिगार हम सबको अपने अपने घरों में उस रब ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, वो रहमतें और बरकतें बरकरार रखे रब ताला, लेकिन 2.5 लाख को इतनी बड़ी रकम नहीं है। एक खातून, जैसे कि कितने मेरे उलमा कराम आते, किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी बेहतर हो सके, किसी एक शख्स की ज़िंदगी की सोच पर भी डिफरेंस आ सके तो हमारा काम तो हो गया। तो 2.5 लाख की रकम अगर हम थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 12-12 हज़ार भी करते हैं, तो मेरे ख्याल है 5-5 हज़ार भी करते हैं तब भी 2.5 लाख की रकम हो सकती है। 18 करोड़ से जायद की ये पूरे
मुल्क में जो है आवाम है, हम कुछ कर नहीं सकते क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बहन? शाजिया। करीब करिएगा माइक, आवाज नहीं आ रही मुझे। शाजिया ना। शाजिया बेटा बाइक पकड़ लो इनका यूसरा। हाँ जजाकल्ला जी। शाजिया अब आपकी तबीयत कैसी है? बस सही, बस टांग में तकलीफ है। जाहिर है वो बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया है, वो टांग उनकी छोटी हो गई है अल्लाह मेरे मालिक। जी बच्ची से बात हुई आपकी? नहीं। कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए जी। तो आपने रابطہ किया बेटी से? नहीं। पहले की जहाँ काम करती थी ना वो खामोशी से आ जाया करती थी और अपनी माँ से मिलकर चली जाती थी। अब ये शेल्टर होम में है, अब वो वाली सहूलत नहीं है। और उस वक्त भी यही बेहतर बताएंगी कि जब मिलने आती थी तो उसके साथ क्या सलूक होता था। बेटी मिलने आती थी तो उसको मिलने नहीं देते थे क्या? नहीं, वो मिलने के लिए आती थी लेकिन उसका बाप उसे डांटता था, मारता था, मिलने के लिए क्यों जाती हो, तो फिर भी वह चोरी चोरी आ जाती थी 2 मिनट मिलने के लिए। अब शेल्टर होम का तो पूरा प्रोसीजर है ना कि ये ऑफिस जाएंगी, फिर हम इस भेजेंगे, अब हम मुलाकात करेंगे। तो छोटी बच्ची 12 साल की भाग के उस तरह नहीं आ सकती, उसको आने के लिए कन्विंस चाहिए, वहाँ आएगी, टाइम लेगी। तो अब वो उस चीज़ से भी महरूम हो गई है। जितनी जल्दी ये खातून अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर वापस चली जाएंगी उतना इनके लिए और इनकी बेटी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो बेटी उसी घर में रह रही है जिस घर में वो सौतेले बहन भाई भी मौजूद हैं। जब उन्होंने माँ को निकलवा दिया तो यकीनन वो लड़का इतना पावरफुल है कि वो घर के हालात को हैंडल कर रहा है और वो उस बच्ची के लिए भी जरा सा नुकसानदेह मामला हो सकता है। कदा कलामी माजरत, हमें फौरन एक वक्फा लेना है, हमारे साथ रहेगा, हम अभी वापस आते हैं इन बहन के वाले से और रहमानी भाई की तरफ जाएंगे। दरअसल हमें इस वक्त किस बात का मुजाहरा करने की जरूरत है, सफे के बाद। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HT। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD।
आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट एट में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट एट, जुमे से इतवार रात 8:03 पे, सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कल और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ्ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे, सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निजाम अगर सौरत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौरत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर, सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है उसको। तस्वीर लीक केस में हुसैन नवाज की दरख्वास्त मुस्तरद, वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने की इस्तदा भी खारिज। हुकूमत अपने हक में आर्टिकल शाया कराती है, जहां मर्जी लिखे हम नाबालिग नहीं के समझ ना आए, हमें पता है कब क्या करना है। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। चौधरी कहते हैं व्हाट्सएप इशू पर GIT के खिलाफ मुहिम चलाई गई, हुकूमत जमहूरियत को डीरेल करना चाहती है, नून लीग अपनी कश्ती के साथ साथ पूरा निजाम डबोना चाहती है। पाकिस्तान के कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं, मैदान से नहीं भागेंगे। तलाल चौधरी कहते हैं नून लीग को इदारों से लड़ाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यौम सयाह कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जामशोरों के सनती जोन, नूरियाबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज। एप्टमा का 9 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने मुजाहरे का ऐलान। गोहर एजाज कहते हैं गैस 7% महंगी हो गई, मिले कैसे चलें। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज रशीद की सेनेटर मुशाहिद हुसैन के घर आमद, वालिद की वफात पर इजहार ताजियत। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री पर रुकने पंजाब असेंबली शौकत भट्टी को नाअहल करार दे दिया, इफ्तिखार कयानी की दरख्वास्त पर फैसला।
ओवल के फाते चैंपियंस की वतन वापसी, कौम के दीदा दिल, फरशेरा एयरपोर्ट से घरों तक वालिहाना इस्तकबाल, भंगड़े फूलों की पत्तियां निचावर, सरफराज हसन अली फखर जमान बाबर आजम के घरों में मेले का समा, भारत के खिलाफ मैच में सबसे ज्यादा मजा आया, अभी करियर पर तवज्जो है, शादी 5-6 साल बाद करूंगा, दाल चावल से खाता हूं, हसन अली की मीडिया से गुफ्तगू। एक तरफ भारतीय शरंगेजी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी वजीर की उल्टी मंतक, रियाज पीरजादा कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग को भूल गए, क्रिकेट खेलने की हिमायत, कहते हैं भारतीय हुकूमत को खेल में सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। और लंदन के ग्रैनफेल टावर में आग लगने से हलाकतों की तादाद 79 हो गई, 17 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज, 9 की हालत तश्वीशनाक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी। तजुर्बा भी सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक, अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है, सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए, सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे, हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका,
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तक करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, एक बार फिर आप देख रहे हैं रमजान इश्क है नशरिया 24 न्यूज HD पर बराहे रास्त। आजमाइश और सजा, मेरे उलमा कराम यहाँ मौजूद, मेरे बहुत मोहतरम अल्लामा मसूदी साहब, मसूदी भाई यहाँ पर मौजूद, अस्सलाम वालेकुम मसूदी भाई, एक बार फिर खुश आमदीद मसूदी भाई। आपको आमदीदे और यकीनन अब ये तो फैसला होगा अभी कि क्या है आपके लिए हमारे लिए इस रमजान, है ना? अभी तो फैसला होगा ना चांद रात को फैसला। अल्लाह बहुत प्यारी बात की है वाकई कि चांद रात को पता चलेगा हमने क्या। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए खुदा से। आप बड़ों की और बुजुर्गों की दुआएं हैं माशाल्लाह,
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ तो खैर नूर की बारिश है तो यहाँ नूर की बारिश होगी तो इंशाल्लाह हमारे शहर में भी नूर की बारिश होगी और हमारे कल्बों पे भी नूर की बारिश होगी और ये रमजान हमारे लिए एक नूर बन के आएगा इंशाल्लाह। भाइयों की दुआ होती है तो बहनें तो वैसे ही बेफिक्र हो जाती हैं और भाभियां भी साथ हों तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं होता। ये छोटी सी फैमिली है हमारे साथ। एक आज हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ हैं जनरल मैनेजर KFC के नूर आलम साहब यहाँ पर हमारे साथ आज आए हैं। उनको भी हम इस नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। सुदीप भाई, इस वक्फे से पहले हमारे साथ थैलेसीमिया फाइटर्स आए हुए हैं चंद बच्चे। प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक बात कही कि वो हज़रत अली का कॉल है आजमाइश पे और सजा पर, तो बड़ा क्लियर कर दिया कि कब आजमाइश होती है कब सजा होती है। उसके बाद मुझ जैसे इल्म के तालिब का तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है करना कि मैं अब क्या सवाल करूँ इस बात पर, जबकि मुझे मुझ जैसे बेअक़ल इंसान के लिए बड़ा क्लियर है कि तुम अगर अपनी माया अगर तुम अपनी नमाजें कायम रखती हो और तुम अपने रब का जिक्र करती रहती हो इसका मतलब है तुम सज़ा नहीं मिल रही, तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी आजमाइश होगी, वरना तो आसानी आसानी है, हाथ पैर चल रहे हैं आसानी है, जबान चल रही है आसानी है, बात कर रही हूँ आवाज़ साथ दे रही आसानी है, कदम साथ दे रहे हैं आसानी है, शो कर रही हूँ आसानी है, आप लोगों से मुलाकात कर रही हूँ आसानी है, दुनिया देख रही है शोहरत मिल रही है आसानी है, ये आसानियाँ नहीं है क्या, ये लैविश्ड आसानियाँ नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये वो बच्चे जो थैलेसीमिया फाइटर्स हैं इनके वालदैन जिस कैफियत से गुजरते होंगे, मैं रहमानी भाई और अब्दुल मैंने कहा दोनों आएंगे अब सवाल करूंगी, इनके वालदैन जिस सिचुएशन से गुजरते होंगे क्या वो आसान है हम हमारे एक मुकाबले में? यहाँ एक खातून आई हुई है भाभी के साथ, डिवोर्स हुई, डिवोर्स जिस हजरत से शादी हुई थी उनकी पहली शादी से भी बच्चे थे, उनको भी पाला उनको भी बड़ा किया उनकी भी शादी की, उसके बाद कहाँ काम करती थी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, फिर उसके बाद टांग उनकी छोटी हो गई, खड़ी नहीं हो सकती। अब आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहित तौहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन। यहाँ से मैं इस बात का आगाज़ करूँगा कि देखिए अभी हम एक हज़रत अली का वो कॉल भी आपने नकल फरमाया कि देखो इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश भी आती है और सज़ा भी आती है। अच्छा, सज़ा कब ये सज़ा है और कब ये आजमाइश है, तो इसके हवाले से कि भाई जो अगर तुम खुदा से करीब हो रहे हो तो समझ लो कि ये आजमाइश थी, और अगर क्या है तुम खुदा से दूर हो रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी सज़ा है। जाहिर सी बात है सज़ा में ही दूरी है और आजमाइश में क़ुर्ब है। यही चीज़ उसी हवाले से मैंने इस आय मुबारका का यहाँ पे इंतखाब किया कि जिसमें रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन, हमने अपने महबूब बंदे को अपने क्या है खलील बंदे को अपने बेहतरीन बंदे को हमने मुबतला किया है, इब्तला कर दिया है, उनके चंद इम्तिहानात लिए, चंद कलमात के ज़रिए से उनके इम्तिहानात लिए। अलबी कलमात की जरिए माना यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मवारिद हैं, कैसे कैसे इम्तिहान लिए गए हज़रत इब्राहीम से। ज़ाहिर सी बात है अगर मैं उसकी तरफ जाऊँ के तो थोड़ा सा हमें फैमिली सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हमें और आपको ये समझना है कि इस ज़िंदगी में हमारे लिए खुदावंद आलम ने क्या रखा है और कैसे रखा है और क्या करना है और कैसे करना है, तो वो हज़रत इब्राहीम की सीरत को ज़रूर पढ़ा करें। हज़रत इब्राहीम की सीरत में बहुत सारे फैमिली मैटर्स ऐसे हैं कि जो बहुत खुल करके सामने आते हैं और बहुत अच्छे ऐसे तरीके से उसका हल भी किया है। अभी आपने दूसरी शादी की बात की तो हज़रत इब्राहीम के यहाँ भी यही हुआ था कि एक हज़रत सारा थी जो उनकी खालाजाद बहन थी और एक जो है वह हज़रत हाजरा थी जो हज़रत सारा की कनीस थी, और हज़रत सारा ने उन्हें हज़रत इब्राहीम को गिफ्ट किया था शादी पर, यानी वह मालदार खातून भी थी तो उन्होंने हज़रत हाजरा को गिफ्ट किया था जो बाद में आपकी ज़ौजा मोहतरमा बनी और जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सिलसिला शुरू हुआ और फिर वहाँ से वो सिलसिला आगे बढ़ाया। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हज़रत इस्माईल की जब विलादत हो गई हज़रत सारा के यहाँ विलादत नहीं हुई थी, एक फैमिली मैटर आ गया छोटा सा।
और उसकी बिना पर, और चूंकि हजरत हाजरा उनकी कनीज भी थी, असल मुश्किल दो चीजें थी ना, कनीज भी है और कनीज साहिब औलाद हो गई और वो अभी साहिब औलाद नहीं है, तो एक छोटा सा मैटर था। उसकी बुनियाद पर उनकी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें बैतुल मुकद्दस से लेके कहाँ आबाद करें ले जा करके वो खाने खुदा के अंदर, जिसे क्या है कि हजरत इब्राहिम ने भी कहा ना कि रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ इंदा बैतिकल मुहर्रम, के वो जो वादी गैर ज़ी ज़रअ में ले जाके, उस वक्त खाने काबा में क्या था, उस वक्त खाने काबा की सिर्फ बुनियादें थी, बाकी चारों तरफ पहाड़ थे, आसमान था और अल्लाह को दख मैदान था, ना वहाँ आब था, ना गिया था, ना पानी थी, ना चरिंद था, ना परिंद था, ना इंसान था, कुछ नहीं था, सिर्फ क्या है ज़मीन और आसमान था। और वहाँ ले जाके हजरत हाजरा को छोड़ा, इम्तिहान है, आजमाइश हो रही है। अब हजरत हाजरा का नाम जितना आज सबको याद है, रहती दुनिया तक हजरत हाजरा का नाम, बस मैं जिस चीज़ को समझाना चाह रहा था कि हजरत सारा का नाम नहीं, हालांकि वो क्या है मोहतरम ख़ानदान से थी, आम माशरती लिहाज से वो साहिब सरबत भी थी, वो पहली ज़ौज मोहतरमा भी थी, उनसे भी हजरत इसहाक़ की विलादत बाद में हुई है, नबी की माँ भी हैं, लेकिन जो दर्जा और मुकाम हजरत हाजरा के पास है आज, वो क्या हजरत सारा के पास है, ज़ौजा हजरत इब्राहिम की हैं दोनों, लेकिन जो मर्तबा और मुकाम हजरत सारा को, हजरत हाजरा को मिला, वो हजरत सारा को नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि आजमाइश जो थी वो हजरत सारा के लिए वो नहीं आई जो हजरत हाजरा के लिए आई है। और क्या ये दुनिया में समझा जा रहा था कि ये सजा है, उन्होंने सजा के तौर पे निकाला था, खुदा की बारगाह में वो आजमाइश थी। अब उस आजमाइश में वो कामयाब हुई कि एक मासूम जब प्यासा था, जब हजरत इस्माइल प्यासे थे और जमीन पर थे उस वक्त, और कितने छोटे हैं कि चलने के काबिल नहीं है, उनकी ये जो जिल्द है कितनी नाजुक है कि मखमल पे छिल जाए, लेकिन वो सनलाक पहाड़ पर पैर है और वहाँ पर एड़ियों का रगड़ना है, उस मासूम की एड़ी के रगड़ने से खुदा वंदे आलम ने ऐसा पानी, आजमाइश, आजमाइश का सिला समझिए, हमारी और आपकी जो आजमाइश होती है इसके बदले में खुदा ने रखा क्या कुछ है हमारे लिए, अगर हमें इसका अंदाजा हो जाए तो हम कहें कि परवरदिगार हम पर हर वक्त आजमाइश आए। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारे लिए शायद इस वक्त कारामत होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर चीज को खुदा रा इम्तिहान ना समझिए, इम्तिहान ना, सजा ना समझिए, इम्तिहान समझिए, सजा ना समझिए, सजा ना समझिए, आजमाइश है, भूख दे के आजमाइश लेता है खुदा हमारी, आया हमने भूख में अपने शिकम को हराम से शेयर कर लिया या इन्नल्लाह मा साबरीन की मंजिल पर आ गए, तो फिर वो अल्लाह क्या है साबरीन के साथ, वहां आपने कहा वहां रब के यहां से आवाज आई मैं तुम्हारे साथ हूं, आपने कहा मैंने सबर किया, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ, इतना क़ुर्ब इतनी करीब हो जाना, ये क्या चीज है, ये हमारी, तो हम बाज़ वक़्त माशरे में मैं ये देखता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद 90% सजा है, अल्लाह ने हम पर सजा दी, नहीं, 90% आप पे आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है, ताकि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, तुम्हारा इम्तिहान हम इसलिए रहते हैं कि तुम्हें बुलंदी दें, जो कुछ हम तुम जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसी तुम कोशिश करोगे, जैसी तुम सही करोगे, उसके बदले का मैं इनाम और इकराम रखूंगा। बात इसमें और भी है, अगर इजाजत होगी तो बिल्कुल आगे चलाएंगे। बहुत खूबसूरत बयान, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। हम अमूमन मैं अपने भाइयों को वक्फे पे जाते हुए या ब्रेक में कहती हूँ माशाल्लाह, इस वक्त भाभी और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि हम तीनों ही रवानी भाई, हम सब लोग ही, बहुत ही खूबसूरत, जज़ाकअल्लाह, क्या आपने मंजर इस वक्त खींचा है और क्या वाकया सुनाया है भाई, आपकी बात से कितनी औरतें इस वक्त अगर इनके फ्लो में चली गई जैसे मैं और आप गए हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो गई, किसी और ही जगह पर हम किसी और ही कैफियत में आ चुके हैं इस वक्त ये वाकया सुन के। रमानी भाई आप शुरू कीजिए, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर पाँच से कंटिन्यू करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, यहाँ जो बीमार खातून है उनके लिए भी एक मैसेज है, और जो थैलेसीमिया की जो बच्चे हैं आज उनके लिए भी एक मैसेज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हफ्शी और खातून तशरीफ लाती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि जब वो बीमारी मुझ पर वारिद होती है तो मैं होशो आवाज़ खो देती हूँ, या रसूलल्लाह मैं बरहना हो जाती हूँ, अगर करीम मुझे उस बीमारी से निजात फरमाई, अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हाथ उठाता हूँ दुआ के लिए, चाहो तो ये बीमारी दूर हो जाए, चाहो तो तुम सब्र कर लो, सब्र का सिला जन्नत है।
अल्लाह। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह ठीक है, वो खुश हो गई, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत मिल जाएगी मेरी बीमारी के सिले में। आका ने फरमाया हाँ तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। या रसूल अल्लाह बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो मैं बरहाना होती हूँ वो ना हो। आका ने हाथ उठा यार अल्लाह जो बरहाना होती है ये ना हो। जब वो खुशी से जा रही होती है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अकाबिर साहबा कहते हैं कि जिसे जन्नती औरत को देखना है उस औरत को देख लो। अल्लाह आज जितने लोग बीमार हैं और बीमारी पे वो सब्र कर रहे हैं, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम आ रहा है तुम सब्र कर लो, सब्र का सिला तुम्हें जन्नत में अल्लाह सुबहानहू व तआला अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज अपनी बीमारी में अगर हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन इस नियत से कि रब ताला। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब की एक बात जो है ना वो आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि ब्रेक के बाद उसकी वजाहत वो करेंगे। कोई ये ना समझे कि इलाज नहीं करना, वो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे कि इलाज नहीं करना है और बीमारियों को खुद तलब करें कि हम बीमार हो जाए, ऐसी कोई जन्नत में जाने के हाँ। ये वजाहत करेंगे वो बाद में। वक्त बहुत कम है, आप लोग कंटिन्यू करें, बल्कि अच्छा पॉइंट है कि ये नहीं कि आप कहें हाँ भाई कीड़ों में चले गए काट ले हमें, या ऐसी जगह पे चले गए जहाँ आपको एलर्जीज है कि भाई हमें ऐसा नहीं, इलाज करवाइए, लेकिन जब तकलीफ हो तब के मैंने अल्लाह के लिए सब्र किया। वो जो बीमारियां जो ला इलाज होती जो बीमारियां ला इलाज क्योंकि अगर आप ब्रेक था ना इसलिए मैंने खामोश हो गया। ब्रेक के बाद शुरू कंटिन्यू करते हैं, अभी हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। बीमारियां ला इलाज इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ 18। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक, अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है, सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए, सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ 18 पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे, हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
करते रहे जुनू की हिकायत खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुबा एक तजुबा भी सोच विचार जहां लाज़िम। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। भूल भी अहम कौमी मसाइल पर इख्तलाफ ذاتی مفاد تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی روشنی میں اہم قومی مسائل پر اور سر بلند ہوتی ہیں تجربہ میری سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی میرا مسئلہ ہے اہم قومی مسائل پر ارباب اختیار کے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر اور میں لکھتا ہوں تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر صرف 24 نیوز تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA ہم عوام ہیں یا رعایا ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارپتی حکمران اور فاقہ کا شباب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے ایک بار پھر جن لوگوں نے ابھی ہماری ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے ان کو ہم بتاتے چلیں کہ آج ہم جو علماء کرام کے ساتھ اپنے بات کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں ہم اس میں صبر کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں یا رب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں یا اللہ پاک پتہ نہیں ہے کیسی آزمائش ہے کبھی کبھی البتہ لوگ یہ بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے تمہاری اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے کسی کے لیے یہ کتنا آسان ہے کہ کسی کی طرف آپ اپنی انگلی ریز کر کر اس پر الزام لگا دیں میں اس سے اتنا سمجھتی ہوں کہ مجھے تعلیم بہت بعد میں اس چیز کا پتہ چلا کہ دین اور دنیاوی طور پر لیکن اندر سے کبھی اچھا نہیں لگا کہ کوئی کسی کو جج کرے کوئی کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرے کہ اس کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے تو یہ کبھی مت کہیے گا ہاں دیکھو میرے ساتھ ایسا کیا تھا نا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا رب تعالیٰ نے اس کو آپ سے زیادہ نیک رکھا ہوا ہو یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا اس لیے ہم جج بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ رحمانی بھائی اور مسعودی بھائی موجود ہیں وقت پہ جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ
बीमारी में सब्र करना जन्नत मिले ये आकर ने फरमाया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बीमारी में इलाज ना करें, हम उसके पॉजिटिव और उसके सोल्यूशन की तरफ ना जाएं। ऐसा ही रहमानी भाई फरमा रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस अस्हाब रसूल आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फला तकलीफ है, आप हमें दम कर दें। आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम फरमाया और फरमाया कि हकीम बिन फला के पास वहाँ जाओ, उससे जाके दवा लो। तो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में जो है वो अदविया के हवाले से भी बात की गई है, बल्कि दुनिया के सबसे कामिल और अकमल जो तबीब हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। या एक बात ज़मनन भी अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया में सबसे पहले दिल के दौरे की तशखीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। सुभान अल्लाह, उससे पहले कभी भी दिल के दौरे के हवाले तशखीस डायग्नोस नहीं हुई थी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम जो बात कर रहे थे, बताने का मकसद ये था, वो हदीस रसूल है, रियाज़ुल सालिहीन के अंदर आई है कि वो जो औरत थी जो ला इलाज मर्ज में मुब्तला थी जी, वो इस जहन ये अकीदा रख के आई थी कि अल्लाह के नबी दुआ करेंगे तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा लेगा आगा करीम के सदके से। हुजूर की हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, मगर हुजूर ने कहा मैं चाहता हूँ जन्नत में तुम्हें आला मकाम मिल जाए। हुजूर ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ आला जन्नत में मकाम मिल जाए, उसने या रसूल मैं इस बात पर राजी हूँ। और फिर असहाब रसूल जब वो गुजरती थी अल्लाह के रसूल के असहाब कहते थे तुम्हें जन्नती औरत देखनी है तो वो देखो जन्नती औरत जा रही है। तो आज जो थैलेसेमिया के अंदर जो मरीज मुब्तला है, जो ला इलाज मर्ज में मुब्तला है, उनको चाहिए अगर डॉक्टर्स तशखीस नहीं कर पा रहे और कह चुके हैं कि भाई अब इनका इलाज नहीं हो सकता, नामुमकिन सी बात है, तो फिर वो सब्र करें। और सब्रु ज़ियाउन, सब्र जो है वो चिराग है, चिराग यहाँ भी चलेगा और कब्र के अंदर ऐसा चिराग होगा कि जब कोई किसी का साथ नहीं देगा, कब्र में अंधेरा होगा, कब्र दबा रही होगी, कुछ लोगों कब्र दबाएगी इस तरह कि यहाँ वाली पसली यहाँ आ जाएगी और यहाँ वाली पसली यहाँ आ जाएगी, मगर जिन्होंने दुनिया में सब्र किया होगा कब्र उनको दबाएगी इस तरह कि जिस तरह माँ अपने बच्चे को दबाती है। मैं एक बात आपसे कहूँगी, एक कॉलर भी है मेरे साथ, एक आपसे बात भी कहती हूँ, पहले मैं बहन से बात कर लूँ फिर बाद में अपनी बात कर लूँगी क्योंकि आपने वक्त निकाल कर कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कौन बात कर रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से साइमा बात कर रही हूँ। साइमा अस्सलाम वालेकुम, जी बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी माया, मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरा एक बेटा था छोटा और उसको ल्यूकीमिया हो गया था, ब्लड कैंसर, और 5.5 साल में उसको ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ था और 6.5 साल में जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। जी तो उस वो 1 साल जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो उसको हर जगह लेके गए, हर ट्रीटमेंट हमने करवाया और सब कुछ, उसकी कीमोथेरेपीज हुई, जो जो हो सकता था। तो बहरहाल खैर उसके बाद ये हुआ कि काफी लोगों ने मतलब उसकी डेथ के बाद मुझे ये कहा कि ये आपके अमाल का बदला है, तो बस जो आपके बच्चे की सूरत में जो है वो आपको मिला है, तो बस तो उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये आपके अमाल हैं जो आपके सामने आए हैं। तो आप कॉल पे रहिएगा साइमा, कॉल पे रहिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं यही पूछना चाह रही थी कि मतलब मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि वाकई ये मेरे अमाल की सजा है कि मेरा बच्चा तो मासूम था, उसने तो कोई ऐसे गुनाह कुछ भी नहीं किए थे। तो मतलब दीन की रोशनी में इसका क्या वो है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं? मतलब आज भी मैं आपसे भी बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है कि मैं जब सोचती हूँ वो सारे लम्हात जो जो हमने उसके साथ गुजारे हैं और जो वक्त था, कि बस ये समझेंगे, मतलब मैं चाहती थी कि बस मैं इसके अंदर चली जाऊँ, मैं इसको लेके कहीं भाग जाऊँ, कहीं दूर अपने बेटे को लेके चली जाऊँ। और मैं उसको आखिर में जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो हम उसको उम्रे पे भी लेके गए और वहाँ से आने के 4th दिन जो है उसका इंतकाल हुआ। और माशाल्लाह इतना प्यारा चेहरा, उसकी सारी आई लैशेज इतनी खूबसूरत, उसका चेहरा ऐसा हो गया था बिल्कुल जैसे जन्नत का फूल हो। लेकिन मतलब जब लोगों की ये बातें इस तरह की सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ भी होती है। मतलब इसका दीन में क्या वो है कि हम तो अपने तौर पे बजाहिर तो जाहिर हम सबके साथ अच्छा करते हैं, पूरे हुकूक और इबादत अदा करते हैं, सब कुछ इबादत भी करते हैं। यहाँ पर मैं तो आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मेरी भाभी की आंखों में आंसू आ गए, हर बहन के इस वक्त आंखों में आंसू हैं, मेरे भाइयों की आंखों में एक ऐसा दुख है कि यार कैसे लोग हैं इस माशरे में। आप कॉल पर रहिए बहन, आप खुद बात कीजिए भाइयों से। मेरा बेटा मुझसे पूछता था, मम्मा मैं मर जाऊंगा क्या, मम्मा मैं नहीं बचूंगा। मेरा बेटा मुझसे ऐसे सवाल करता था और मैं हिल जाती थी। और आप यकीन करें संडे को उसकी डेथ हुई है, फ्राइडे को उसने मुझे बुला के कहा है कि मम्मा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस अब आप मुझे छोड़ दें बस। क्योंकि मैं उसको हमेशा कहती थी कि देखो हम दोनों को फाइट करनी है बेटा,
आपको बकअप करना है। पूरा कीमोथेरेपी उसकी मेरी गोद में हुई है और उसकी चीखें मैं आज तक नहीं भूल सकती। 5 साल हो गए माया, 1 जुलाई को उसको 5 साल हो जाएंगे। लेकिन वो बेटा जो है ना मेरा, मतलब ऐसा था कि मैं उसको कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मैं आज तक मेरा दिल ऐसा होता है कि, और ये बातें जो है ना मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती हैं। क्या नाम था? उसका नाम माजुद्दीन अहमद। माजुद्दीन अहमद जी। ये बात जिस तकलीफ की तरफ इन्होंने, एक तरफ आजमाइश का आना, मैं इससे आगे सजा वाली बात तो करते ही नहीं। मैंने पहले भी पहला जुमला क्या कहा था, क्या इस ये दुनिया आजमाइश का घर है, सजा का घर नहीं है, दारुल सजा नहीं है, ये दारुल इम्तिहान, ये दारुल इम्तिहान है, दारुल इब्तला है, दारुल आजमाइश है। ये हम इसको सजा क्यों समझ रहे हैं? पहली बात, जिसने भी कहा या जो उन्होंने जहां से शुरू किया मुझे उससे तकलीफ हुई है। और आपने एक जुमला कहा था ना, तो ये दुनिया जो है ना, यहां तो तकालीफ होंगी, यहां आजमाइश होगी, यहां इम्तिहान होगा, इसका अजर व सवाब सारा का सारा वहां आखिरत के लिए रखा गया है। ठीक है, यहां भी मिलता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, तो वो हमारे हिसाब से मिलता है, लेकिन वो आजमाइश के बगैर भी मिलता है। रिस्क बगैर आजमाइश के खुदा देता है, ना देता है, उल्टा होता है। रिस्क का ना मिलना आजमाइश है, रिस्क का मिलना आजमाइश नहीं है, वो तो नेमत खुदा ने रखी है इस दुनिया के लिए। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें, तो ये जो आपने एक जुमला कहा था वो बहुत अच्छा है कि लोग उंगली उठाते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो एक उंगली तुम किसी की तरफ उठाते हो तो याद रखो कि 3 उंगलियां तुम्हारी अपनी तरफ उठ रही है। जिसने कहा बहुत खूबसूरत बात है, इससे आसान नहीं समझाई जा सकती है। और जहां तक बीमारी के हवाले से और इसके हवाले से, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें भी ख्याल रखना चाहिए जो बीमार लोग होते हैं, कि इसमें बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो फैमिली मैटर्स भी हैं। देखिए बीमारी को यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी बीमारियाँ माँ बाप की रिश्तेदारियों की वजह से भी आती है ना, ये बात तो तय है ना। अब इसको साइंस ने भी प्रूफ कर दिया और इसको पहले भी माना गया है। लिहाजा अगर कोई माँ बाप में कोई चीज़ चली आ रही है तो उसको क्रॉस करें, वो और मज़ीद उसको बढ़ाने वाला, ये एक अहम फैक्टर है जिसके ऊपर हमारे यहाँ कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से नहीं है, हमारी गलतियाँ भी, कुछ चीज़ें माँ बाप की गलतियों का, मैं यहाँ ये कहूँगा कि रिवायात में और इस्लाम में ये चीज़ भी मौजूद है कि बाद अयूब जो बच्चों में आ जाते हैं उसमें माँ बाप अपनी ज़िंदगी में कुछ आदाब का लिहाज नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से खुदा मंद आलम उसमें कहीं ऐब रख देता है। इसमें हमारी दखालत भी होती है, ये बहुत बारीक मसला है जिसको मैं इससे ज़्यादा नहीं खोलना चाहूँगा। यानी गोया शादी से पहले और शादी के बाद और जब बच्चों की ज़िंदगी शुरू हो रही है उसके ख़ास आदाब हैं, उसके ख़ास तरीक़े हैं। यानी इंसान का बावजू रहना, अगर जब विलादत के करीब आने लगते हैं या तो उस वक्त बावजू रहना, आज साइंस ने भी कह दिया, डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस कर रहे हैं, कोई इस्लामी बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं दोनों को अगर आप मैच कर लेंगे तो यही वहाँ भी बताया, टेंशन ना दो, आप बीवी को टेंशन ना दें, उसके लिए माहौल अच्छा रखें, जिक्र इलाही में रखें, खुश व खुर्रम रखें। आज साइंस ये कह रही है नहीं कह रही है, आज डॉक्टरों से एडवाइस कर रहे हैं नहीं कर रही है। बहन को एक मशवरा देना चाहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है, यही आपके लिए मशवरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनके बच्चे बचपन में ही इंतकाल कर जाते हैं वो खुश नसीब हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो खुश नसीब क्यों है? कहा कल कयामत के दिन वो बच्चे जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर झगड़ा कर रहे होंगे कि ऐ अल्लाह ये माँ बाप जन्नत में जाएंगे तो हम जाएंगे। तो बहन जवाब लूंगी इन बहन के फोन के भी हिसाब से, बहन के आप, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की तरफ से जब जाएगा ना, और एक माँ की जो कि भाभी तो है, मैं कहूंगी एक माँ की तरफ से भी एक मैसेज जाना चाहिए ताकि उनको थोड़ा सब्र आए। हमारे हमारे भाई यहाँ मौजूद है नूर आलम साहब भी, इस वक्त के बाद हम उनसे बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, भूल भी, अहम कौमी मसाइल पर इख्तलाफ, जाती मुफाद, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, रोशनी में अहम कौमी मसाइल पर और सर बुलंद होती है, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, मेरा मसला है अहम कौमी मसाइल पर,
ارباب اختیار کے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر اور میں لکھتا ہوں تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر صرف 24 نیوز ایسٹ تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے ہم عوام ہیں یا رعایا ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹ کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھیے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولت مرزا بنانے والا کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اونچا اس ملک کی تو یہ ہسٹوری ہے جیسی کرنی ویسی بھر دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूँ क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? यूएन में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबरा ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। रमजान इश्क है नशियात में वक्त बिताने से पहले ये बात हो रही थी, मसूदी भाई ने भी बात की, खुदा की तरफ से नेमत मिलना भी एक आजमाइश है। अगर आपको परवरदिगार नेमतों से नवाजता है, आपके घर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अता किया है रब ने, घर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी दी है, और जो है वो पैसों का तो बस मतलब बारिश है और सब कुछ है, उस वक्त की आजमाइश ज्यादा बड़ी है क्योंकि अल्लाह पाक ये देखता है कि मेरा रब शुक्र कर रहा है या ना शुक्रापन कर रहा है। सबसे बड़ी आजमाइश तो वो हो गई कि रब ताला, कहते हैं ना, हमने हमेशा बुजुर्गों से सुना कि वो रब ताला लेकर भी देखता है और देकर भी देखता है। तो रमानी भाई बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं भाभी से कहूंगी, मेरी बहन अगर साहब जा रही है अपने बंदों को दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुल्क की आयत है, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। अल्लाह शाह फरमाते हैं कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया, ليبلوكم हम ताकि तुम्हें आजमा, أيكم أحسن عملا कौन अच्छा अमल करता है, जो अच्छा अमल करता है अल्लाह सुबहानहु व तआला उसको बड़ा मुआफ़ करने वाला है। और फिर मुसलमानों से अल्लाह मुखातिब, अम हसिबतुम अन तदखुल जन्ना, तुम क्या गुमान करते हो जन्नत में ऐसे चले जाओगे? मस्सकुमुल बासा वद्दर्रा, हम तुम्हें आजमाएंगे तकलीफ के जरिए, परेशानी के जरिए, भूख के जरिए, और साबित कदम रहे। फिर कुरान की अगली आयत, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुउइ वनक्सि मिनल अमवाल, हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे खौफ के जरिए, हम तुम्हें आजमाएंगे भूख के जरिए, नुकसान के जरिए, वबशिरिस्साबिरीन, और अगर साबित कदम रहे और तुमने कहा कि हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट के जाएगी, الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, तुम्हारा ये यही तुम्हारा नजरिया हो, तो कुरान कहता है ان الله مع الصابرين, खुश नसीब हो अल्लाह तुम्हारे साथ। अल्लाह 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 अकबर। एक और मेरी बहन का कॉल है, फिर मैं भाभी से पूछूंगी और फिर हमारे भाई जो कि KFC के जनरल मैनेजर हैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि वो जिस नेक काम में मैंने बहुत अरसे पहले इनके काम को एडमायर किया था, मुझे कभी मौका नहीं मिला इजहार करने का, मैं जरूर आज बात करूंगी इनसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन सीमा बात कर रही है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी सीमा। वालेकुम सलाम। मैं बात करना चाह रही थी इस वाले से कि मेरे घर में जो है ना, हमारे घर में तंगदस्ती बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा बीमारी बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ ऐसी चीज करने को बताई जाए जिससे ये दोनों चीजें काम हो। ठीक है मेरी बहन सीमा, आप आज तो जरा टाइम की थोड़ी सी कमी है, हम अलबत्ता इस मौजू को दो दफा कर चुके हैं, दो दिन लगातार, लेकिन आपने अगर मिस कर दिया हुआ तो मैं इसको रिपीट जरूर कर दूंगी आपसे लिखकर, भाइयों से लेकर, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको जरूर आपका जो आपकी जो अमानत है आप तक पहुंच जाएगी। भाभी इन बहन के लिए दो लफ्ज अगर कह देंगी। हम सब जो साहिब औलाद हैं, सब्र बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर मैं इनको ये कहूँ कि दुनिया में आप खुशनसीब तरीन औरत हैं तो ये समझ दें कि ये हैं, उसकी जो लॉजिक मुझे समझ में आती है।
नंबर एक ये साहिब हैसियत थी, इनका जहाँ तक इख्तियार रहा इन्होंने इलाज करवाया बच्चे का। बिल्कुल, ये खुशनसीब है, मैं उन वालदैन को जानती हूँ जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। नंबर दो, दुनिया की बातें छोड़ दिए कि किसने इनको कैसे जजमेंटल बनकर फैसला किया, मैं ये समझती हूँ कि इनके शौहर इनके साथ थे, ये मियाँ बीवी मिलकर उस बच्चे की बीमारी का इलाज कर रहे थे, ये अपने मियाँ को अपने घर को फोकस करें, दुनिया तो है ही बातें बनाने के लिए, दुनिया की तरफ से जहन अपना हटा लीजिए, आप मियाँ बीवी मिलकर अगर चलेंगे तो आपको शायद दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगी। रब इंशाल्लाह अगर आप इसके अलावा भी आपके पास कोई औलाद है उसमें से आपके लिए बेहतरीन चीजें अल्लाह ताला आपके लिए बंदोबस्त करेगा, और अगर बहन आपके पास औलाद नहीं है तो मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह आपको उसके बदले में कोई उससे भी बहुत बेहतरीन औलाद दे इंशाल्लाह। जनरल मैनेजर मिस्टर नूर आलम साहब मौजूद है KFC से। KFC इंटरनेशनल फूड चेन का नाम है। KFC ना सिर्फ पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए सरगर्म है बल्कि सेहत के शोबे में भी KFC की खिदमात काबिल तहसीन है। और सबसे ज़्यादा जो मैंने दुनिया में देखा लेकिन मैं अपने मुल्क में तरसती थी, या शायद मैं इसको कन्फेस करती हूँ आप लोगों की मौजूदगी में, शायद मेरे जहन से भी कभी नहीं गुजरा होगा, वो KFC ने कर दिखाया। मैं आपको नूर भाई और आपके इदारे को अपनी तरफ से, अपने तमाम उलमाए कराम की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से KFC को इसका सहरा जाता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना गुलशन की ब्रांच में, उर्दू साइंस कॉलेज के सामने की KFC की ब्रांच में मैंने सुना डम और डेफ, सुनने से और बोलने से जो लोग माजूर हैं आपने उनको नौकरियां दी। मैं ज़्यादा चाहती हूँ, मैं खड़े होकर KFC को जो है वो खायद सिंह पेश करना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ दें हम लोग। वेल डन KFC, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है इसमें, मैं आपको पर्सनली कहना चाहती हूँ वेल डन। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बहुत बड़ा काम है। जब मैं गई और ऑर्डर लिया ना मसूदी भाई और रमानी भाई, तो उन्होंने, अच्छा मैं जानकर उस ब्रांच में गई और उन्होंने कहा वाओ, आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि मेरे ऐसे बहन भाई, मेरे ऐसे बड़े, मेरे ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी खुशी की बात थी मेरे। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास टोटल जो 70 रेस्टोरेंट्स हैं उसमें से 7 जो है वो यही लोग चला रहे हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। Oh my God, माशाल्लाह, माशाल्लाह, you're doing so good, माशाल्लाह। ये इसके साथ हमने किया ये कि एक स्कूल है डेफ रीच के नाम से, जो इन्हीं लोगों के लिए स्कूल है जहाँ पे इस तरह के जो बच्चे पढ़ते हैं, और फिर मतलब उस स्कूल को हमने स्पॉन्सर किया है, उसका जो भी महीने का खर्चा है वो हम रन करते हैं उनके एजुकेशन साइड पे भी आप कर रहे हैं, और जॉब्स फिर जब वो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो उनके लिए यहाँ जॉब्स मौजूद हैं। इस वक्त हमारे पास जिनका आपने जिक्र किया 120 इस तरह के लड़के लड़कियां हमारे पास काम कर रहे हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो हमारे पास 7-8 साल से हैं, और इस वक्त जो है ना उनमें से एक आध ऐसे हैं जो फ्लोर मैनेजर्स वगैरह बन चुके हैं। फ्लोर मैनेजर्स माशाल्लाह, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उनमें से एक लड़का ऐसा है कि जो पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम का ओपनर भी है। उसके बाद मैंने देखा कि एक बड़ा मॉल है यहाँ हमारे कराची में, वहाँ पर जो है सुनने और बोलने से जो माजूर अफराद हैं वो वैले का काम कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। आप खड़े होंगे, आपको कहेंगे गाड़ी दे दी, पर्चा दे दिया, आप उनके दिल की जबान समझ सकते हैं। माया, मैं एक बात कहूँ कि जो लोग इन काम में पहल करते हैं ना, उनके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं जिंदगी भर, वो नेकी जहाँ जहाँ जाती है इनका तबका जारिया अपनी जगह रहता है। अगर भाई उनमें से एक हैं तो नेकी जहाँ जाएगी इनका हिस्सा उसमें डला रहेगा। जज़ाकअल्लाह खैर। मैं कहूँगी नूर भाई यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, वक्त क्योंकि इतना महदूद होता है हमारी रमज़ान की अफ्तार की ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा नूर भाई, लेकिन मुझे ये पर्सनली शायद अल्लाह पाक ने करवाना था, मुझे वो मौका नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर सबकी तरफ से दुआएँ दे सकूँ, सलाम दे सकूं। बस मैं कहूंगी अपने उलमा किराम से कि इन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। ये भी एक आजमाइश, एक इंफरादी आजमाइश है, एक इज्तमाई आजमाइश भी है ना।
ये भी हमने कभी सोचा? हम सिर्फ इनफरादी आजमाइश की बात कर रहे हैं अभी तक, हमारे माशरे की इज्तमाई आजमाइश भी तो है ना। एक माशरे से भी खुदा ने कुछ चीज़ें रखी हैं, अगर वो सब मिल करके करेंगे तो हम में से कोई भी परेशान नहीं होगा, और अगर हमने उसमें कहीं पर भी सुस्ती की कोताही की तो वो माशरा क्या है, नुकसान की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए जितने भी नेक काम है, सदकात जारिया जैसे बाजी ने भी अर्ज किया था, ये वही सदका जारिया है कि जो रहती दुनिया तक जाए।